हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू स्लीपी क्लासेस और आज मैं हर हफ्ते की तरह लेकर आई हूँ वीकेंड पे पांच नहीं बल्कि दस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वैसे तो हम बुक की एंडिंग पे दस क्वेश्चन करते हैं बट स्टिल मैं इस बार पाँच एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द चैप्टर्स विच वी हैव डिस्कस इन द पास्ट वीक तो एन पे या चैप्टर्स के बीच में से क्वेश्चन इस बार आपके होंगे तो आपको ध्यान से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं चूज़ करने हैं जो भी ऑप्शन आपको अप्रोप्रिएट लगते हैं और इन द एंड आप मार्क करेंगे जो आंसर आपको सही लगता है और आप बताएंगे कॉमेंट करके कि आपके कितने मार्क्स आए हैं तो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधीज ओपिनियन ऑफ ऑस्टेरिटी फॉर इंडिविजुअल ट्रस्टीशिप ऑफ सोशल वेल्थ एंड नॉन वायलेंस आर द की टू अटेन हायर गोल्स इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज दैट ऑफ अ नेशन वर नॉट इंक्लूडेड इन फर्स्ट क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट सेकेंड ब्रांडलैंड कमीशन रिपोर्ट थर्ड यू एन डी पी रिपोर्ट नाइनटीन नाइनटी थ्री फोर्थ श्यू मैचर्स बुक स्मॉल इज ब्यूटिफुल तो ये जो महात्मा जी का ओपिनियन है वो किसमें इंक्लूड नहीं किया गया था तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज यूएनडीपी रिपोर्ट ऑफ 1993 क्योंकि यूएनडीपी रिपोर्ट ऑफ 1993 बात करती है प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन की ठीक है जी एंड यहाँ पे महात्मा गांधी जी के ओपिनियन के बारे में कुछ नहीं दिया गया वेर आज अगर आप ढंग से चैप्टर को पढ़ते हैं तो इन एंड एक स्मॉल पैराग्राफ है छोटा सा पैराग्राफ है जिसमें ये कहा गया था कि महात्मा गांधी जी का जो ओपिनियन था इट गॉट री द क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट ब्रांट लैंड रिपोर्ट शू मैच बुक स्मॉल इज ब्यूटिफुल एंड साथ ही साथ इसका कॉन्सेप्ट का मीनिंग भी मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि एक इंडिविजुअल की मन की शांति एंड साथ ही साथ जो अमीर इंसान है उसके ऊपर एक ट्रस्ट होना चाहिए और अमीर इंसान की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखे एंड थर्डली अहिंसा के पात पे अगर कोई इंसान चले ये तीनों चीज़ें अगर करता है तो वो होगी एक्चुअली में ह्यूमन्स की डेवलपमेंट सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्लोज टू वन इंडिकेट्स फर्स्ट लो स्कोर इन एच डी आई सेकेंड हाई स्कोर इन एच डी आई थर्ड नो डेवलपमेंट फोर्थ नन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दैट इज हाई स्कोर इन एच डी आई जब हम एच डी आई की बात करते हैं तो वो जीरो से वन के बीच में हमारे स्कोर्स को कंसिडर करता है बीट एनी स्टेट और एनी कंट्री जो भी क्लोज टू वन होगी वहां पे डेवलपमेंट रेट काफी ज्यादा हाई होगा एंड जो बिल्कुल क्लोज टू जीरो होगी वहां पे डेवलपमेंट रेट होगा काफी ज्यादा लो नेक्स्ट क्वेश्चन आउट ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्यारे टाउन ठीक है फर्स्ट इज जालंधर सेकंड इज माउ थर्ड इज बबीना एंड फोर्थ इज पिलानी तो ग्यारिसन टाउन हमने पढ़ा था कैंटोनमेंट एरियाज़ की अगर हम बात करें तो तो इनमें से कैंटोनमेंट एरिया कौन सा नहीं है आपको वो सिलेक्ट करना है तो करेक्ट आंसर है इसको ऑप्शन नंबर डी दैट इज पिलानी तो आपको ये ऑप्शन जो है बिल्कुल डायरेक्ट सिटीज का नाम देख के भी पूछा जा सकता है तो आपको ऑप्शन याद करने की या सिटीज को याद करने की जरूरत है क्योंकि जो पिलानी है एक्चुअली में हमारा वो है एजुकेशनल टाउन नेक्स्ट क्वेश्चन इज The land owning and dominant community occupies the central part of the main village is a characteristic of first nucleated settlements, second hamleted settlements, third fragmented settlements, and fourth is dispersed settlements. This its correct answer is option number C, that is fragmented settlements. तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन क्या है कि आपको एक डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक दिया जा सकता है किसी भी चीज के ऊपर बेस्ड तो ये ऐसी कौन सी सेटलमेंट थी विलेज में जहां पे लैंड ओनिंग एंड डोमिनेंट कम्युनिटी ऑक्यूपाई करती है सेंट्रल पार्ट ऑफ द मेन विलेज ठीक है तो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स में ऐसा नहीं होता क्योंकि लोग आसपास साथ में रहते हैं हैमलेटेड में होता है एक सोशल पैटर्न को फॉलो किया जाता है डिसपर्स में लोग बिल्कुल ही अलग अलग रहते हैं तो फ्रैगमेंटेड रीजन में अगेन जो है एक डोमिनेंट कम्युनिटी वो सेंट्रल पार्ट ऑफ़ द सिटी या सेंट्रल पार्ट ऑफ द विलेज को कवर करती है एंड जो लेस डोमिनेंट कम्युनिटीज़ हैं या जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अलग से रह रही होती हैं अपनी फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट्स में और ये एग्जाम्पल इसका क्या था गुजरात ठीक है सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इज डैश फॉर मेजरिंग एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इन इंडिया फर्स्ट इज लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट सेकेंड सर्वे ऑफ इंडिया फोर्थ स्टेट गवर्नमेंट फर्स्ट इज लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट सेकेंड सर्वे ऑफ इंडिया थर्ड स्टेट गवर्नमेंट फोर्थ कलेक्टर सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज सर्वे ऑफ इंडिया ठीक है तो आपको क्वेश्चन में ही पूछा गया है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इन इंडिया ठीक है तो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम होता है लैंड रेवेन्यू या फिर डिविजन ऑफ लैंड करके रेवेन्यू उसके अकॉर्डिंगली करना कलेक्ट ठीक है अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट की तो स्टेट गवर्नमेंट ही आदेश देती है लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को तो एक तरह से लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही रहता है ठीक है थर्डली अगर हम बात करें कलेक्टर की तो कलेक्टर इज अ पार्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट इट सेल्फ तो इसका करेक्ट आंसर बनता है सर्वे ऑफ इंडिया मोर ओवर चैप्टर में अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो आपको डायरेक्टली इसका आंसर भी पता होगा सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डेवलपिंग कंट्रीज द शेयर ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर यूजली डैश मच स्लोली एज कम्पेयर टू द डैश इन द सेक्टर शेयर इन द जी डी पी फर्स्ट इज इंक्रीज या डिक्रीज सेकेंड इज डिक्रीज एंड इंक्रीज थर्ड इज इंक्रीज एंड इंक्रीज, फोर्थ इज डिक्रीज या करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर दैट इज डिक्रीज एंड डिक्रीज यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज में द शेयर ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर यूजुअली डिक्लाइन या डिक्रीज मच स्लोली एज कंपेयर टू द डिक्रीज इन द सेक्टर्स शेयर इन द जीडीपी कहने का मतलब ये कि आप अगर इंडिया का एग्जाम्पल लेके चलें तो जो पॉपुलेशन है डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर वो काफ़ी स्लो रेट पे डिक्रीज़ हो रही है एज़ कम्पेयर टू द डिक्लाइन इन द सेक्टर शेयर इन जीडीपी अब हम बात करते हैं कि इंडिया अपना सेक्टोरल शिफ्ट कर रही है तो पहले एग्रीकल्चर जो था हमें मेनली जी में कॉन्ट्रीब्यूट करने वाला उसको ओवरटेक कर लिया है किसने हमारे सर्विस सेक्टर ने तो सर्विस सेक्टर जो है वो जीडीपी डी पी पे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है तो जो लोग एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर गए हैं टू द अदर सेक्टर्स वो इतने जो है उनका इम्पेक्ट इतना नहीं पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू द इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन द सेक्टर्स शेयर इन द जी यानी कि जी डी पे जल्दी इम्पेक्ट पड़ जाता है एज़ कम्पेयर टू द इंडिविजुअल ठीक है सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर हेयर इज यूज फॉर फिशिंग एंड इरिगेटिंग सर्टन वराइटीज ऑफ पैडी क्रॉप्स या कोकोनट ठीक है तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक आपको दे दिया गया है फर्स्ट इज ग्राउंड वाटर सेकेंड लगून थर्ड रिवर्स एंड फोर्थ इज पॉइंट तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दैट इज लगून तो लगून्स जो है वहां का वाटर होता है ब्रैकेश सो नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग तो पानी को हम यूज कर लेते हैं फिशिंग के लिए इरिगेट करने के लिए पैडी क्रॉप को एंड कोकोनट को सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी पी सी बी स्टैंड फॉर फर्स्ट सेंट्रल पॉवर्टी कंसल्टेशन बोर्ड सेकेंड सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड थर्ड सेंट्रल पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फोर्थ सेंट्रल पॉल्यूशन कंसल्टेशन बोर्ड तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बनाया गया था किस लिए कि वो पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके एंड साथ ही साथ मेजर कर सके तो डिफरेंट सिटीज में वो एयर पोल्यूशन के जो लेवल है उसको भी बताती है जनरली अगर हम देखते हैं पोल्यूशन लेवल्स को सिमिलरली वाटर पोल्यूशन के लेवल्स को भी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ही रिस्पॉन्सिबल है बताने के लिए दिखाने के लिए एंड सिमिलरली वो भी मेजर करती है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुंबई हाई वाज डिस्कवर्ड इन फर्स्ट 1987, सेकंड 1967, थर्ड 1982 और फोर्थ हिस 1976. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डॉट इस 1976. तो मुंबई हाई जो है 1976 में जब डिस्कवर की गई ये है हमारी लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ़ कैम्बे. ठीक है. एंड साथ ही साथ यहाँ पे हमने पेट्रोलियम प्लस नेचुरल गैस ये दोनों ही डिस्कवर की थी एंड ये टिल डेट रन कर रहा है इसको इंडिया में ओ एन जी सी ओ एन जी सी इज ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ठीक है तो जो मुंबई हाई है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हम कह सकते हैं इट वॉज डिस्कवर्ड एंड यहाँ पे क्या मिल रहा है हमारे पास पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस गल्फ ऑफ कैम्बे में लोकेटेड है ये एंड ओ एन जी सी इसे रन कर रहा है सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मेटेरियल फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन और एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेरोज फर्स्ट मैंगनी सेकंड कोल थर्ड बॉक्साइड एंड फोर्थ इज कॉपर तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज मैंगनीज। तो आपको क्वेश्चन में से ही आप पता लग जाना चाहिए कि क्या पूछा गया है रॉ मटेरियल पूछा गया है स्मेल्टिंग ऑफ आयरन के लिए एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेरो अलॉयज ठीक है तो स्मेल्टिंग ऑफ आयरन की जहाँ पे बात आती है तो ऑप्शन दो ही बैठते हैं दैट इज कोल एंड मैंगनीज ठीक है अगर फेरो अलॉयज़ की बात करते हैं तो फ़ेरो अलॉयज़ बनाने के लिए एक ऐसा ही हमारे पास एलिमेंट होना चाहिए जो कि खुद से ही मटालिक है तो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा मैंगनीज क्योंकि कोल इज नॉट अ मटालिक एलिमेंट ठीक है तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चंस हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं ठीक है टिल देन मिलेंगे नेक्स्ट वीक थैंक यू सो मच